करते थे। योग का मतलब वो जैसे ध्यान करने की बात है, ध्यान करना, प्राणायाम करना, ठीक है। इसका प्रवचन कई लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने में लोग जिनके कानों में कंकड़ डलवाने की आदत है, ये शब्द ही वास्तविक ढेला है। मारो मारो कुछ बताया करके और लोगों के कान में पत्थर डालते हैं, पर फिर भी उसी पत्थर को, उस कंकड़ को वो लोग बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं, क्योंकि पंडाल भरा रहता है, पसंद है तब ना, उनको वही पसंद है। लेकिन वैष्णवों को जिस सभा में, जिस वक्ता के मुख से भगवान के नाम, रूप, गुण, जस, सुंदरता आदि का वर्णन नहीं है, उसे नहीं सुनना चाहिए। सूरदास जी गोपियों के तरफ से ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ जिन कानों ने श्री कृष्ण के बांसुरी के शब्द को सुना है, कैसे दूसरा शब्द सुन सकते हैं। जिन आँखों ने भगवान श्याम सुंदर के चरण से और मस्तक तक के सौंदर्य को देखा है, वे कैसे दूसरे को देखेंगे। आजकल बहुत प्रचार है, पहले से ही था, कि आँख बंद करके और लाइट का ध्यान करना चाहिए। गोपियों ने तो एक जगह कहा है कि उद्धव, हम तो पहले से ही विरह की आग में जल रहे हैं और ऊपर से और लाइट देख करके जल रहे, ये क्यों जला रहे हैं, हमको शीतलता चाहिए। लाइट में ताप होता है ना, ये सब भक्त कवियों के युक्तिपूर्ण तर्क हैं। जो लोग भगवान के रूप को, उनके शब्द को, उनकी बोली को, चाहे बांसुरी में चाहे डायरेक्ट सुने हैं और देखे हैं, जो गुणगान किए हैं, ऐसे सौभाग्यशाली जीव कभी इन फालतू बातों में नहीं जाएंगे। किसी भी सभा में जहाँ भगवान के गुण का वर्णन हो रहा है, तब तो ठीक है, ये अमृत है, और बाकी सब बकवाद है। बकवाद माने बक का अर्थ तो बगुला। बगुले जब पेड़ पर बैठते हैं तो बोलते हैं बा 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 करे सब बक करता है, उसको बक कहते हैं, बगुला। तो बोलने लगते हैं शाम के समय जब जुटते हैं पेड़ पर जहाँ रहते हैं, तो बोलते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। कोई ध्यान से सुने कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका परपोइंट क्या हुआ, क्या अर्थ होगा उसका, उसको बकवाद कहते हैं। भोजपुरी में बकवास कहते हैं, वाद को ही सब बोला जाता है, बकवाद, व्यर्थ व्यर्थ बोलना। एक व्यक्ति से मैं पूछा एक दिन, गया था किसी सत्संग में, प्रवचन होने वाला था, तो आ करके बताया कुछ लड़कों से, बहुत सुंदर प्रवचन हो, बहुत सुंदर प्रवचन हो, बहुत सुंदर कथा हो रहे थे। तो हमने पूछ दिया कि तो उसमें से, और ये भी कहा कि बहुत ऊंची कथा हो रही थी, बहुत ऊंची। तो हमने पूछा कि कुछ एक आध बात बताइए क्या सुने। अरे महाराज, इतनी ऊंची कथा थी कि हमारे दिमाग में एक भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो तब समझ में नहीं आया, तो नीची कथा थी कि ऊंची थी, ये कैसे निश्चय किए। तब वो क्या कहे, कैसे जानते हैं कि बहुत ऊंची कथा थी, तो बहुत लोग जुटे थे, बहुत लोग तो अभिनेताओं के संग भी जुट जाते हैं। सिनेमा का एक्टर आता है तो वहां देखिए हजारों की भीड़ होती है, इसका मतलब कोई बहुत अच्छी बात बोलता है,
भीड़ ही नहीं बताती है कि बहुत अच्छी कथा है। अच्छी कथा का स्टैंडर्ड यह है कि जिसमें भगवान कृष्ण के रूप की चर्चा हो और गुण है सौंदर्य आदि की चर्चा, ऐश्वर्य की चर्चा, दया की चर्चा, और भगवान का जीवों के साथ क्या संबंध है उसको बताया जाए, और जीव भगवान कृष्ण से प्रेम करे, प्रेम कैसे किया जाता है, भक्ति के कौन कौन अंग हैं, कैसे भक्ति की जाती है, इन सब बातों में दम है, ये ठीक है, बाकी सब बकवास है। वैष्णव भक्त कैसे दूसरी बातों को सुन करके पसंद करेंगे, उनका मन उनकी आंखें कैसे जाएंगे दूसरी जगह देखने के लिए। तो सूरदास कहते हैं कि श्यामा मोहन के यह गुण विविध गुण है। श्यामा श्री राधा रानी मोहन के विविध गुणों को गिनती है, अथवा सूरदास श्यामा और मोहन के मतलब राधा और मोहन के विविध गुणों को गिनते हैं। कनक लता ते उपजन मुक्ता सतपद रंग चुनाए, सतपद तो संबोधन है, सोने की लता से कहीं मोती उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या मतलब है। अच्छा एक बात श्री गोपीजन कह रही हैं उद्धव जी से, उद्धव जी बहुत अच्छा हुआ कि गोपाल नहीं आए ब्रज में, बहुत अच्छा हुआ। श्री गोपियों को ब्रज का एक एक दृश्य बहुत दुखद लग रहा है, बहुत सहना कठिन हो रहा है कृष्ण के विरह में, इसीलिए कहती हैं कृष्ण नहीं आया अच्छा बने, तो उनको आकर यहाँ ये दुख सहना पड़ेगा। उसी पद के नीचे है, उधो भली करी गोपाल, प्रकार से अपने विरह दुख का वर्णन कर रही हैं, तो ये कह करके कृष्ण नहीं आए बहुत अच्छा किए। आपुन तो आवत नहीं आपुन तो आवत नहीं निर्विकार है, आपुन तो वत नहीं तो वहाँ रहे यही काल, यही काल उधो भली करी कृष्ण को बुलाने का एक तरीका है, बहुत अच्छा किए वहीं रह गए। तो चंदन चंद हुतो तब शीतल, चंदन चंद चंदन चंद हुतो तब शीतल, चंदन चंद कोकिल शब्द रसाल, कोकिल शब्द रसाल। जब श्याम सुंदर यहाँ थे ब्रज में तो उस समय चंदन शीतल लगता था और चंद्रमा भी बहुत अच्छा लगता था, अब सब उल्टा हो गया है। चंद्रमा दाह पैदा करता है, चंदन चंदन भेल विषम सर रे भूषण भल भेल भारी,
चंदन अब भार हो गया है। जब वे संग में थे यहाँ ब्रज में तब ये सब शीतल लगते थे। चंदन चंद हुतो तब शीतल, और कोयल का शब्द भी बड़ा रस सुंदर लगता था, मधुर लगता था। अब क्या होता है, अब समीर पावक सम लागत, अब समीर पावक सम लागत, सब ब्रज उलटी चाल, सब ब्रज उलटी चाल, उधो भर करी गोपाल, उधो भर करी गोपाल। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब चंदन शीतल लगता था, चंद्रमा शीतल लगता था। अब सब ब्रज की चाल उलट गई है, चंद्रमा सूर्य से भी दाहक लगता है, और चंदन अग्नि से भी ज्यादा जला रहा है। और अब समीर यहाँ की हवा पावक जैसी लग रही है, सब उल्टा हो गया। बिरहिणी को बिरह में चंद्रमा दुखद लगता है, कोयल की बोली बहुत खराब लगती है, प्रियतम साथ में नहीं है तो सब कुछ से उल्टा लगता है। तो गोपियाँ इस विधि से श्याम सुंदर को बुला रही हैं, उद्धव जी से कह रहे हैं कि वहाँ रह गए मथुरा में बहुत अच्छा है, हो सकता है मथुरा में चंदन शीतल लगता होगा, चंद्रमा शीतल लगता होगा, लेकिन यहाँ तो चंद्रमा आग उगल रहा है सीधे। विषसंयुक्त निज कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। चंद्रमा वास्तव में एक सब समय एक ही रहता है, लेकिन अपने अपने भाव के अनुसार जब कोई स्त्री बिरह में होती है या कोई बिरह में रहता है तो उसको चंद्रमा का उगना अच्छा नहीं लगता है, जलाता है उसे। वो दिन याद आता है कि इसी चंद्र प्रकाश में मैं अपने प्रियतम के साथ थी, तो वो चंद्रमा सुख देता है। कोई भी सुख के समय में वस्तुएं सुख देती हैं, लेकिन जब विरह हो जाता है तो वही सुखद वस्तुएं फिर दुख देने लगती हैं। तो चंदन और चंद्रमा शीतल लग रहे थे जब आप थे, कोयल का शब्द मधुर लगता था, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया। क्या क्या उल्टा लगने, हार हीर कंचुकी कंटक भये, हार हीर कंचुकी कंटक भये, हार हीर हार चीर कंचुकी कंटक भये, हार चीर कंचुकी कंटक भये, तरणी तिलक भये सिंह गृह तिमिर कंदरा, सिंह गृह तिमिर कंदरा, सर्प सुमन मणि माल, सर्प सुमन मणि माल, उधो भलि करी गोपाल, अब इस ब्रज की सब चाल उलट गई। इस समय हार और चीर, चीर मैंने साड़ी, हार साड़ी और चोली ये सब कंटक हो गए, ये सब सुख नहीं दे रहे। श्री कृष्ण जब यहाँ थे तो सब सुखद थे, लेकिन हार चीर और कंचुकी कंटक भय, तरण तिलक भय भार। और जब हम तिलक देती हैं वो तिलक दे नहीं पाती हैं, क्योंकि भाल पर तिलक देना सूरज के समान जलाता है,
तरनी तिलक भय भाल, भाल के तिलक तरनी हो गए, सूर्य हो गए, सेज सिंह है, और हमारी सज्जा जिस पर मैं पहले सोती थी जब प्रियतम श्याम सुंदर यहाँ थे ब्रज में तो सुखद लगती थी, लेकिन वो सेज सज्जा बाघ हो गई, सिंह हो गई, काटनी दौड़ती है उस सज्जा पर, हम कभी नहीं सो पाते हैं, बहुत बुरा लगता है। गृह तिमिर कंदरा और घर अंधकार से भरी हुई गुफा के समान लगता है, भयानक लगता है। सर्प सुमन मणिमाल, और जब हम मणि की माला देखती हैं उसे लगाना चाहती हैं तो सर्प जैसा भयावह लगता है, उसे डरती हैं लगाने। सेज सिंह गृह तिमिर कंदरा सर्प सुमन मणिमाल, उधो भली करी गोपाल, नहीं आए अच्छा हो, नहीं तो वो आएंगे तो उनको भी ये सब ऐसा लगेगा, उनके आते ही वास्तव में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बात को न कह करके कहते हैं नहीं आना ठीक है, वहीं रहे मथुरा में आराम से रहेंगे, फिर सज्जा पर सोएंगे तो उनको भी बाघ जैसा लगेगा, ये लगेगा, इसलिए अच्छा है उधर ही रहे। भली करी गोपाल, गोपाल अच्छा किए। हम तो न्याय सहाय तो दुख, हम तो न्याय बनवासी डुबाल, ये तो उचित है कि हम यहाँ रहें, हम ये सब दुख सहें, क्योंकि हम वनवासी हैं, वन में दुख सहे हैं। वनवासी जो ग्वाल, एक तो वनवासी हैं और गाय चराना काम है तो सब दुख सहेंगे, हम तो सह लेंगे, हम तो ये सब दुख सहेंगे क्योंकि दुख सहने का अभ्यास है। तो क्या कृष्ण को अभ्यास नहीं है? नहीं, अब राजा हो गए, अब दुख नहीं सह पाएंगे। सूरदास स्वामी सुख सागर, सूरदास स्वामी स्वामी श्याम सुंदर सुख के सागर हैं और भोगी हैं, भोग रहे, राज भोग रहे हैं, भुवाल हो गए हैं, राजा हो गए हैं, वो ये दुख कैसे सहेंगे? अच्छा हुआ वहीं रह गए। ये बुलाने का एक तरीका है श्याम सुंदर को, लेकिन कहने अच्छा हुआ नहीं आए, नहीं तो आकर के दुख सहना पड़ेगा। इसका अर्थ है कि हमको ये सेज बाघ जैसी काट रही है और हार साड़ी कंचुकी ये सब कंटक हो गए, तिलक लगाना सूर्य के समान दाह पैदा करता है, और गृह अंधकार से भरी हुई गुफा जैसी भयावह लग रहा है, और माला मणियों की जो माला है सर्प सुमन मणिमाल, ये फूल की माला, फूल की माला और मणि की माला, सुमन मणिमाल, सुमन की माला, फूल की माला और मणियों की माला सर्प जैसे लग रहे। यह एक उक्ति का प्रकार है किस तरह से अपने प्रियतम को बुलाना चाहती हैं, यह कहकर कि नहीं आए अच्छा किए, नहीं तो आने पर सब जलना पड़ेगा। श्याम सुंदर के आते ही सब परम सुखद हो जाएगा, यह भाव है कि जब ही आप आएंगे ब्रज में तब ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अतः हे प्रियतम आप आइए, भाव ये है, लेकिन किस तरह से शब्द बोल रहे हैं, अच्छा हुआ गोपाल नहीं आए। प्रतीक्षा करना भी एक कथा सुनना है, कितना आदमी ट्रेन की प्रतीक्षा करता है, कहाँ कहाँ बैठा रहता है, गंदे स्टेशन पर बैठ करके ऐसे करता है। भगवान की कथा में भी कुछ प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये बहुत प्रसिद्ध पद है,
और हिंदी साहित्य पढ़ाने वाले लोग इसको चाव से बोलते हैं, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी की बात, कहत कत परदेसी बात। उद्धव जी से श्री गोपी जन कह रही हैं कि अब क्यों उस परदेसी की बात करते हैं, अब तो मथुरा वाले हो गए ना, अब वन में गाय चराने थोड़े आएंगे, क्यों आप चर्चा कर रहे हैं, कहत कत परदेसी की बात। श्री कृष्ण वास्तव में परदेसी नहीं है, ब्रजदेशी हैं, लेकिन अभी शहर में चले गए हैं, बड़े शान शौकत से रह रहे हैं, तो कहत कत परदेसी की बात। मैं पहले अर्थ कर लेता हूँ, गाने से समझ में नहीं आता है, कहने से समझ में आता है। मंदिर अर्ध अवधि हरि हमसो हरि आहार चले जात, बदी हमसो मंदिर अर्ध अवधि बदी हमसो हरि आहार चले जात। श्री कृष्ण हमसे यह कह करके गए कि हम 15 दिन में आ जाएंगे। 15 दिन को एक पक्ष कहा जाता है पाख, और जो घर बनाया जाता है तो घर के भी 2 पाख होते हैं। ऐसे अंग्रेजी में भी विंग कहते हैं कहीं कहीं, ए विंग बी विंग, और विंग माने पंख पाख। तो मंदिर अर्ध अवधि बदि हमसो हरि, श्री कृष्ण हमसे कहे कि हम घर के आधे आ जाएंगे, माने एक पाख में आ जाएंगे। मंदिर अर्ध मंदिर माने घर, घर के आधा एक पक्ष में आ जाएंगे, लेकिन हरि आहार चले जाए। अभी समय सिंह का आहार मांस बीत रहा है, 15 दिन में आने को कह करके गए तो हरि आहार चले जाते हरि का सिंह, हरि माने सिंह या बाघ होता है, बाघ का आहार बीत रहा है, मांस बीत गया। मांस न कह करके सीधे हरि आहार कह रहे, पूरा पद ही इस तरह से साहित्य के गुण से भरा है। ससिरिपु बरस सूर रिपु जुग बर हर रिपु किए फिरे घात, शशि का चंद्रमा का शत्रु वर्ष जैसा लग रहा है, चंद्रमा का शत्रु है दिन, दिन में चंद्रमा का प्रकाश फीका हो जाता है या उगता ही नहीं। तो ससिरिपु बरस दिन वर्ष जैसा लग रहा है, और सूर रिपु जुग सन, सूर रिपु रात को कहते हैं, सूर माने सूर्य, सूर्य का दुश्मन रात। शशि रिपु वर्ष और सूर रिपु जुग सन, जुग जैसा बीत रहा है। रात जुग जैसी बीत रही है और दिन वर्ष जैसा। हर रिपु किए फिरे घात, और हर रिपु शिव जी का शत्रु कामदेव ये प्रहार किए फिर रहा है। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग सम हर रिपु फिरे किए घात, मघपंचक लय गए श्याम घन आय बनी यह बात। तो मघपंचक लय गए सांवरे, सांवरो मघा से प्रारंभ करके 5वां महीने तो उसको मघपंचक कहेंगे, अर्थात चित्रा, चित्रा माने चित्त, चित्त ले गए, मघपंचक लय गए सांवरो चित ले गए, चित ले गए
आय बनी है बात, इसी से आज ये दुख का दिन देखना पड़ रहा है। मग पंचक ले गए और नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बर जाए हम खात, नक्षत्र वेद और ग्रह को जोड़ करके और उसको आधा करके हम खा रहे हैं, कौन बर जाएगा। तो नक्षत्र 27 होता है और वेद 4, तो 31 हुआ, और 9 ग्रह 40, 40 का आधा हम खाने जा रहे हैं, 20 खाने जा रहे हैं, हमको कौन बर जाएगा। तो नक्षत्र 27 हैं और वेद 4 हैं और ग्रह 9 ग्रह, ये सब 40 हुए। 40 को जोड़ करके फिर आधा करके हम खाने जा रहे हैं, हमको कौन बर जाएगा। मतलब कृष्ण के विरह में हम 20 खाने जा रहे हैं। ये अजीब पद है। सूरदास प्रभु तुम्हें मिलन को कर मिणति पछतार। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हम आपसे मिलने के लिए आपके वियोग में हाथ मल करके पछता रही हैं। कर मिणति पछतार, कहत कत परदेसी की बात। थोड़ा सा साहित्य रस भी आना चाहिए, इसलिए मैं इसको लिया। कहा मंदिर अरध अवधि बदी हमस, बदी मैंने कह करके, हरि आहार चली जात। 15 दिन कह कर गए और मास बीत रहा, चली जात। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुग सं, हर रिपु किए फिरे घात। मघपंचक लय गए श्याम घन आय बनी यह बात, नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बर जय हम खात, सूरदास प्रभु तुम्हें मिलन को कर मिणति पछतात। मन सूरदास जी भी निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपके विरह में गोपियां मर रही हैं, पछता रही हैं, आपको जाना चाहिए। लेकिन सूरदास जी इसमें तुलसी डाले हैं, कभी जब अपने नाम को किसी पद में डालता है तो उसको तुलसी कहते हैं, वो उस पद में अपने को भी भगवान को समर्पित करता है। जैसे तुलसी डाल करके भगवान को रोटी या भात या खीर अर्पित किया जाता है, तो ऐसे पहले परंपरा थी कि अपने को समर्पित कर देते थे। कहे रत्नाकर, प्रत्येक कवित में रत्नाकर जैसी बात लिखे। भारतेंदु जी का एक पद है, श्री गोपीजनों के मुख का उद्गार है कि कोई गोपी भगवान के विरह में सभी रंग का हो गई है, सब रंग का बन गई है। तो वे कहते हैं, उमड़ी उमड़ी दृग रोवत अबीर भय। गोपी विरह में है तो उमड़ उमड़ करके आंसू गिर रहे हैं आँख से, तो रोते रोते उसकी आँखें अबीर जैसी हो गई, मतलब लाल हो गई हैं, अबीर के रंग की हो गई हैं। तो अबीर का एक रंग हो गया शरीर में। मुख दूती पीरी परी विरह महाभरी, और मुख की जो शोभा है वो पीली पड़ गई है, तो पीला रंग हुआ। विरह महाभरी, महाविरह से भरी हुई गोपी विरह में पीली पड़ गई है और रोते रोते आंखें अबीर जैसी हो गई हैं। हरिचंद प्रेम माती मनहू गुलाबी छकी, और प्रेम में मतवारी है भगवान के प्रेम में, तो वह एक गुलाबी छकी है। प्रेम का अनुराग का रंग है यही गुलाबी रंग। तो गुलाबी रंग है। काम झर झाकर इसी दूती तन की करिए, और काम से श्री कृष्ण से मिलने की जो लालसा है वो विरह
इससे झुलस करके काली पड़ गई है। झर मने आँच हो तो लपट, काम की लपट में झुलस करके तन की दूती काली कर ली है। प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो यह, जोगिया सजाए बाल विरह खर तरे खरी। प्रेम कारीगर ने इस विरहिणी को ऐसा सजाया है अनेक रंग के, जोगिया सजाए बाल और बाल को जोगिया बाल कर दिया। जोगी लोग केश को कभी संवारते नहीं है, कंघी नहीं करते हैं, तो जटा बन जाती है और केश काला होते हुए भी पीला हो जाता है नहाते नहाते और नहीं संवारने से, तो केश से जोगिया रंग का हो गया है। बीरी छत्तर खड़ी, देखो वह गोपी विरहिणी वृक्ष के नीचे खड़ी है, आँखी न में सांवरी, उसकी आँखों में वह सांवरी है, आँखें सांवली हैं, हिये में बस हिये बसे लाल वह, और हृदय में लाल है, लाल माने कृष्ण बसे हुए हैं, श्याम सुंदर बसे हुए हैं, तो हिये में बसे लाल वह, और बार बार मुखते पुकारत हरी हरी। आँख में सांवरी है, हृदय में लाल है, और मुख में तो हरी हरी बोलती ही रहती है। तो हरी हरी एक माना एक रंग भी है, हरा रंग, और ऐसे हरी नाम तो आ ही रहा है मुख से। ये विरह की अवस्था का वर्णन। उमड़ी उमड़ी दृगरोवत यीर भये, उमड़ी उमड़ी दृगर उमड़ी उमड़ी दृगरोवत यीर भये, मुख दूती पीरी परी विरह महाभरी, मुख दूती पीरी परी विरह महाभरी, हरिचंद प्रेम माती मनहु गुलाबी छकी, हरिचंद प्रेम काम झर झकरी सिदूती तन की करी, प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो वह, प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो, जोगिया सजाए बाल बीरी छतर खरी, आँखी न में सांवरी हिये में बसे लाल वह, आँखी न में सांवरी आँखी न में सांवरी हिये में बसे लाल वह, आँखी न में सांवरी बार बार मुखते पुकारत हरि हरि, बार 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 मुखते पुकारत हरि हरि, आखिन में सांवरी हिये में बसे लाल वह, बार बार मुखते पुकारत हरि हरि। यह साहित्य का एक गुण है, मुख से बार बार हरि हरि पुकार रही है, तो मुख में हरि है, ग्रीन है,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम बार बार मुखते पुकारत हरि हरि बार बार वो गोपी पुकार रहे हे हरि हे हरि हे हरि हे श्री कृष्ण हे श्याम सुंदर हे प्रियतम। इसको भारतेंदु जी कैसे सुंदर तरीके से लिख रहे हैं, बार बार मुखते पुकारत हरि हरि। उधर सांवली लाल और जुगिया रंग पीला रंग अबीर रंग प्रेम कारीगर के अनेक रंग देखो यार। उस गोपी को कौन सजाया है? प्रेम कारीगर, कृष्ण प्रेम ही एक कारीगर है जिसने उसको ऐसे सजा दिया है, आँख को लाल कर दिया है अबीर। आँखें अबीर कैसे हो गई हैं? रोवत तर, रो रही है, आंसू उमड़ रहे हैं, तो उमड़ी उमड़ी दृग दृग मैंने आँखें आँख उमड़ी उमड़ी दृग रोवत अबीर भय। मुख दूती पीली परी बिरह महाभरे, महाबिरह से भरी है तो मुख बिल्कुल पीला पड़ गया है। तो अबीर का रंग और मुख पर पीला रंग, गिनी कितना रंग है उस बिरहनी गोपी में। हरिचंद्र प्रेम माती मनहू गुलाबी छकी, काम झर झाकर इसी दूती तन की करी। यहाँ तक तो चार रंग हुए ना। प्रेम कारीगर के अनेक अनेक रंग देखो वह जोगिया सजाए बाल बीरी छतरे खरे। जोगिया सजाए बाल, बाल का अर्थ केश भी हुआ, बाल का अर्थ हुआ बाला वह स्त्री। जोगिया सजाए बाल बीरी छतरे खरे, आँखी न में सांवरी हिये में बसे लाल वह बार बार मुखते पुकारत हरी हरी। हरा रंग भी आ गया और लाल और सांवला रंग और काला रंग भी झुलस गई है भगवान के प्रेम में विरह में। तो वो काला रंग है और गुलाबी रंग है, अबीरी रंग है, अबीर का रंग और पीला, सात रंग है। इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, तो सातों रंग से प्रेम कारीगर सजा दिया भगवान के प्रेम में। इस तरह से शरीर की दशा हो गई। श्रीमद् भागवत के आधार पर ये सब कवित लिखे गए हैं। राधा रानी हटा रही मधुकर को, भंवरे से बात कर रहे हैं इस पर। मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे, मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे, मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे, मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे। मतलब दूर, यहाँ से दूर हटो, जाओ मथुरा, मथुरा में जाओ, यहाँ क्यों आए ब्रज में। मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे, मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे, तुम देखत तन अधिक तपत है, तुम देखत तन, तुम देखत तन अधिक तपत है, तुम देखत तन अधिक तपत है, अरुनयनन के तारे, अरुनयनन के तारे। मधुकर हो हूँ यहाँ के न्यारे, मधुकर हो हूँ यहाँ के। हे भ्रमर, मधुकर का अर्थ मधु बनाने वाला। हे मधुकर, यहाँ से
पहले तुम दूर जाओ, हमारे चरण के पास से हटो, तुम देख तन